सब्जी उत्पादक संघ ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर को ज्ञापन देकर मांग की उनसे बाजार बैठकी ना ली जाए। हालांकि पहले भी बाजार बैठकी बंद की जा चुकी थी, एक बार फिर से नए ठेकेदार ने 1 मई से बाजार बैठकी प्रारंभ कर दी। व्यापारियों का किसानों का साफ तौर से कहना था, वो खेतों में सब्जी लगाते हैं, मंडी में सब्जी बेचने आते हैं, इस दौरान कहीं भी क्रय विक्रय नहीं करते, इसलिए उनको इससे दूर रखा जाए। बाजार बैठकी के विरोध में किसान पहुंच गए नगर निगम परिसर, महापौर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। महापौर ने भी उनको आश्वस्त किया है, उनसे मंडी आने जाने में किसी भी तरीके का कोई भी वसूली नहीं की जाएगी। किसानों का साफ तौर से कहना था, अपने उत्पाद को बेचने के लिए मंडी लेकर आते हैं, रास्ते में कहीं भी क्रय विक्रय नहीं करते, इसलिए उनसे बाजार बैठकी ना ली जाए। इस तरीके से एक बार 2019 में भी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। तब 11 अक्टूबर को नगर निगम ने एक आदेश पारित करके किसानों से बैठकी ना लेने का निर्णय लिया था, लेकिन एक बार फिर से नए ठेकेदार ने 1 मई 2023 से वसूली प्रारंभ कर दी, जिसके चलते किसान एकत्र होकर पहुंच गए नगर निगम, महापौर को ज्ञापन दिया। महापौर ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनको आश्वस्त कराया है कल से ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, किसान साफ तौर से चाहते थे ठेकेदार के लोग जो भी पैसे वसूल करते हैं वो वर्दी में हो, जिस जगह पर वो वसूली करते हैं वहाँ एक रेट लिस्ट भी होनी चाहिए। हालांकि इस तरीके के कोई भी हालात वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। इस बारे में जब ज्ञापन लेकर आए कर्मचारियों से महापौर से बात हुई तो उनका कहना था, हमने महापौर को इस बारे में अवगत करा दिया है, महापौर ने हमें आश्वासन दिया है कल से ही बाजार बैठकी किसानों से नहीं दी जाएगी। मैं तत्काल ही अपने नगर निगम कर्मचारियों से इस बात की बातचीत करूंगा, उनसे इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कहूंगा। पूरे मामले को लेकर हमने किसानों के साथ आए JP कुशवाहा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था बाजार बैठकी मामले को लेकर। आए आप लोग बाजार बैठकी वसूली की समस्या को लेकर, जो किसानों से जो सब्जी लेके मंडी आते हैं अपने खेत से उनसे वसूली जाती है। 2019 में हम लोगों ने एक आंदोलन करके बाजार बैठकी वसूली से ये किसान मुक्त हुए थे, लेकिन ये यहाँ के जो ठेकेदार हैं बीच बीच में इनसे वसूली शुरू कर देते हैं, और अभी 1 मई से तो ये पूरी तरह से उतारू हो गए कि नहीं, हमको तो वसूली करनी ही है, आप जो जितनी ताकत लगाना हो जो करना हो कर लो, अब हम पैसे वसूलेंगे। तो उसी के संबंध में आज हमारे सब किसान एक इकट्ठे हुए और महापौर से मिले। महापौर ने ये आश्वासन दिया है कि हम अपने मीटिंग करके और किसानों से और जो ऑटो वगैरह में जो सामान लाते हैं सब्जी वगैरह उनसे उनको वो पूरी तरह से मुक्त करेंगे।